आज के दिन हमेशा राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस ट्रेंडिंग में क्यों आता है, आइए हम आपको बताते हैं। आप क्या करेंगे आरक्षण को लेकर, क्या करेंगे रिजर्वेशन लेकर, जब आपके पास वैकेंसी नहीं रहेगी हर जगह से, राज्य एक एक राज्य, जब तक आप एक नहीं होंगे तब तक ये आपको बर्बाद करते रहेंगे सब। अगर आप गलती से बोल दिए ना हमें जॉब चाहिए, हम क्या चाहते हैं, हमको कुछ चाहिए, हमको बस लड़कों को जॉब दे दीजिए। भाई साहब उनका कितना बड़ा सपना होता है, 30-40 हजार की नौकरी चाहिए, उन्हें नहीं चाहिए आपकी तरह हेलीकॉप्टर प्लेन और संसद भवन का वो बिल्डिंग नहीं चाहिए, बेचारा खुश हो जाएगा, केवल 30-40 हजार की नौकरी में खुश हो जाएगा, बस उसको दे दीजिए, इससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर कहिए ना तो लोग कमेंट करते हैं कि पहले जनसंख्या कंट्रोल करो, एंटी नेशनल हो गया, तुम गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहा है। अरे भाई हम क्या खिलाफ बोल रहे हैं, गवर्नमेंट ने खुद बोला था 2 करोड़ नौकरी देंगे, वरना अगर ऐसा ही हाल रहा ना तो हम गारंटी देते हैं कि लड़के सड़क से उतर जाएंगे, और नहीं उतरे ना तो हम लोग उतार देंगे, यहाँ पे हम गारंटी कसम खाते हैं भारत माँ की, अगर नहीं सुधरा ना तो लड़कों को उतार दिया जाएगा सड़क पर, फिर दिल्ली में जगह नहीं बचेगी लड़कों को बैठाने के लिए, दिल्ली का क्षेत्रफल उतना नहीं है जितने भारत के युवाओं है, उतना भर जाएंगे ना फिर जगह नहीं बचेगी, फिर एक क्रांति आ जाएगी यहाँ पर जिसे इतिहास में लिखा जाएगा कि एक ऐसी क्रांति थी जो भारत के युवाओं ने अपने भविष्य के लिए लिखा था। मत खेलिए, मत ललकारिए युवाओं को, वरना ये एक दिन युवा उत्पाग ये इसका सर घुमाना तो ये अपनी हद नहीं देखता, ये दुश्मन का सर हद पार कर। जैसे कि आप लोगों ने देखा और सुना, आज दोस्तों अगर हम बात करें तो नंबर वन पे जो ट्विटर पे ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है हैप्पी बर्थडे मोदी जी, और अगर इसके बाद अगर हम देखा जाए तो दूसरा ट्वीट जो ट्रेंडिंग में चल रहा है वो है राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस। देखा जाए तो 44,000 पोस्ट जो है हैप्पी बर्थडे मोदी जी चल रहा है, और अगर हम नीचे दूसरे नंबर की बात करें तो राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस जो है यह 45,000.8 पोस्ट जो है रीट्वीट हो चुके हैं, क्योंकि लोग जो है आज के दिन को इसलिए बेरोजगार दिवस मानते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में हमने दिखाई दिया है कि 2 करोड़ नौकरी का जो है वादा किया था और तरह तरह के जुमले जो है साबित हुए हैं। आप लोग दोस्तों आज के दिन को क्या मानते हैं, हैप्पी बर्थडे मोदी जी या राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस, प्लीज़ आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।